नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हथरस जिले में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया था। यहाँ पे सरकार हरि बाबा का एक दिवसीय सत्संग चल रहा था। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे के साथ महिलाएं और पुरुष बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। लगभग 1:45 बजे सत्संग खत्म हुआ था और बाबा के भक्त बाहर सड़क की ओर जाने लगे, तभी भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में हुई मौत को लेकर पूरे देश शब्द रह गया है, लेकिन इस भगदड़ को लेकर अब एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। भोले बाबा यानी नारायण सरकार हरि यह दावा करते हैं कि उनके पास एक खास तरह का पानी है, जिसके पीने से और उनके चरणों की धूल लगाने से सभी प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और यही वह कारण है जिसके चलते उस सत्संग में यूपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली, उत्तराखंड और कई राज्यों से भारी मात्रा में लोग पहुँचे थे। और साथ ही साथ यह बाबा हथरस में उस दिन भक्तों को प्रवचन के दौरान भी कहे थे कि मेरे चरणों का धूल लेकर जाना और माथे पर धूल लगाना तो सभी समस्या और सभी बीमारी खत्म हो जाएगा। इतने में इनके चरणों का धूल लेने के लिए पंडाल में भगदड़ मच गई और लाशों का ढेर लग गया। आधिकारिक डेटा की बात करें तो इस भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो गई और लगभग 150 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। हथरस की घटना बड़ा ही दुखद हुआ, लेकिन इस घटना ने हमारे और आपके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस तरह का अंधविश्वास को बिना डरे फैलाया जा रहा है? क्या हमारे देश में इसको लेके कोई कानून नहीं है? ठीक ऐसा ही सवाल 4 जुलाई को उच्च सदन में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया था। उन्होंने भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम में लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की। उन्होंने सदन में कहा कि हथरस के सत्संग में जैसा हादसा हुआ, ऐसे कार्यक्रम में लोगों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। खड़गे जी कहते हैं कि केंद्र को इन लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरह का घटना दोबारा ना घटे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस तरह के घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि भारत में कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरह अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून बनाया जाए ताकि पैसे के लिए लोगों को लूटने वाले नकली लोगों पर पाबंदी लगाई जा सके। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या है अंधश्रद्धा कानून, यह कानून कब आया और कहाँ कहाँ लागू है, सभी चीज़ के बारे में आपको हम बताएंगे। वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। बात ऐसे है कि अंधश्रद्धा कानून को महाराष्ट्र में साल 2013 में लागू किया गया था। यह एक ऐसा कानून है जो अंधविश्वास और गलत धारणाओं पर आधारित अमानवीय और खतरनाक प्रथाओं को रोकने के लिए है। इस कानून में अगर क्लॉज की बात करें तो इसमें कुल 12 क्लॉज है जो अलग अलग धाराओं को आइडेंटिफाई करता है। इस कानून में एक ऐसा भी क्लॉज है जो खुद को ईश्वर के समकक्ष मानने वाले और उसके पास अलौकिक शक्तियाँ होने का दावा करने वाले लोगों को भी दंडित करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत उसे कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सालों तक का जेल का प्रावधान है और जुर्माने की बात करें तो 5,000 से लेकर 50,000 तक जुर्माना है। महाराष्ट्र के अलावा अलग अलग राज्य में भी अलग अलग कानून है जिसमें अंधविश्वास फैलाने को अपराध माना गया है। अगर उदाहरण के तौर पर हम अपने बिहार को ही ले लेते हैं, बिहार पहला राज्य है जिसने जादू टोना रोकने के लिए एक महिला को डायन बताकर उस पर अत्याचार करना, उसका अपमान करना और महिलाओं की हत्या को रोकने के लिए द प्रिवेंशन ऑफ विच का मतलब होता है डायन, द प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस एक्ट 1999 कानून बनाया था। पहले गांव में इस तरह की घटना ज़्यादा होती थी जिसमें किसी एक महिला को डायन बताकर कुछ लोगों द्वारा उसे मारा पीटा जाता था। अब बात करते हैं कि अंधश्रद्धा कानून क्या क्या रोकता है। तो इस कानून के तहत किसी भी इंसान को बलि देना या उसे किसी धार्मिक या अंधविश्वास के कारण मारना अपराध करने के दायरे में आते हैं। इसके अलावा किसी पर जादू टोना या तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करना जिससे सामने वाले की जान का खतरा हो या उसे नुकसान हो, यह भी अपराध के दायरा में आता है। अंधविश्वास कानून को देखें तो मुख्य रूप से मानव बलि या काला जादू और धोखा या शोषण जैसी घटनाओं को रोकता है। अगर आप में से किसी व्यक्ति को लगता है कि आप इस तरह के अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उसे तुरंत पुलिस में जाकर आपको शिकायत करनी चाहिए। पुलिस इस मामले को लेकर तुरंत कार्रवाई करती है। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी साल 2017 में अंधविश्वास विरोधी कानून को प्रभाव में लाने का काम किया गया था जिसे अमानवीय प्रथाओं और काला जादू रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम के रूप से जाना जाता है। यह अधिनियम धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी सभी प्रकार के अमानवीय प्रथाओं को व्यापक रूप से विरोध करता है। कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, असम में भी डायन शिकार निवारण विधेयक कानून चलता है। भारत में अलग अलग राज्यों में अंधविश्वास को रोकने के लिए बहुत सारे कानून, लेकिन देश स्तर पर इस तरह का कोई एक कानून नहीं है। तो क्या सही में इस तरह का कानून देश के लिए अभी ज़रूरत है? तो इसका उत्तर हम नहीं भी दे सकते।
देखिए बात ऐसी है कि हम यह नकार नहीं सकते हैं कि हमारे देश में अंधविश्वास नहीं है। हमारे देश में बहुत तरह के अंधविश्वास हैं और उस अंधविश्वास के चलते बहुत तरह की घटनाएं घटती हैं। लेकिन जहां तक कानून की बात है तो इस तरह का कानून लाने का अभी कोई हमारे देश में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही इस तरह के कानून बनाए गए हैं। IPC में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो इस तरह के घटनाओं को प्रतिबंधित करता है। उदाहरण के लिए IPC की धारा 307 और 354 को ले लीजिए। इसी तरह से और कई अलग अलग धाराएं हैं जो अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को अपराध के श्रेणी में डालते हैं। तो आज का वीडियो में बस यही तक। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।